खुश आमदीद दोस्तों, आज हम बात करेंगे वादी अल सलाम कब्रिस्तान की, जिनको वैली ऑफ पीस भी कहा जाता है। वादी अल सलाम दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान हैं, जो कि इराक के शहर नजफ में है। नजफ सिटी करबला से 92 किलोमीटर की दूरी पर है। करबला यानी जहां पर इमाम हुसैन का रोज़ा है। शिया मुस्लिम्स के मुताबिक रोज़ा अली इब्ने अबी तालिब भी इसी कब्रिस्तान में है। और यहाँ दफन होने वालों के लिए खुशनसीबी की बात यह भी है कि उनकी जनाजे की नमाज हज़रत अली के रोज़े पर ही पढ़ाई जाती है। हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ दफनाए जाते हैं। और इराक वॉर के दौरान यहाँ 200 से 250 जनाजे हर रोज़ दफनाए जाते थे। आपको बता दें कि हज़रत साले अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम और बहुत से अंबिया इकराम, बहुत से सुल्तान, किंग और प्रिंस भी यहाँ दफनाए गए हैं। यहाँ पर हज़रत हूद मस्जिद भी मौजूद है। अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ दफनाए जा चुके हैं। जन्नतुल बकी के बाद ये दूसरे कब्रिस्तान है जिसमें दौरे मुस्तफ़ा और उनसे पहले के वक्त के लोग दफन हैं। वादी अल सलाम दुनिया के इकलौते ऐसे कब्रिस्तान हैं जिन्हें 1400 साल हो गए हैं, लेकिन 1400 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जनाजे दफनाए जाने का सिलसिला आज भी जारी है। और ये कब्रिस्तान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है।